नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की खबरों के साथ। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मामला खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी इलाके का है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश बिहार का रहने वाला है, जिसका नाम सूरज कुशवाहा बताया जा रहा है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। साथ ही पुलिस ने एक शातिर बदमाश मोहित वर्मा को भी गिरफ्तार किया है। मोहित वर्मा मऊ जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों बदमाशों पर इनाम घोषित था। बदमाशों ने लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए लगातार चेकिंग के आदेश दिए गए। विगत कुछ दिनों पहले कुछ लूट की घटनाएं क्षेत्र में हुई थी, खासकर खानपुर क्षेत्र में, सादात और घेमर क्षेत्र में, और उसी के दृष्टिगत रखते हुए लगातार चेकिंग के आदेश जो है वो दिए गए थे। आज मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मुलजिम जिसका नाम सूरज है, जो कि घेमर में हुई एक बैंक मित्र के साथ लूट में शामिल था, और उसका एक साथी यहाँ से जा रहे थे, तो इनको पुलिस ने रोकने की जो है वो बैरिकेडिंग डाल के कोशिश की थी। पुलिस के ऊपर इन लोगों ने जो है वो फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में एसओजी टीम, खानपुर पुलिस, इनके द्वारा जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे जो है वो गोली लगी है। अगली खबर जौनपुर से है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतिम दिन हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस ने देशभक्ति गीत के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार के नेतृत्व में कोतवाली परिसर से निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में पुलिस के कई आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का नारा लगाते हुए दिखाई दिए। आज ये अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जैसा कि 11 से 17 तारीख के बीच के विभिन्न तरह के प्रोग्राम पुलिस द्वारा आयोजित किए जाने थे, उसके अंतर्गत आज 5 बजे से फ्लैग मार्च का आयोजन प्रस्तावित था, जिसमें पुलिस के साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया। साथ ही आम जनमानस के लोग जो हैं वो भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे कस्बे में भ्रमण किया और विभिन्न राष्ट्रघोषी नारे लगाते हुए पूरा आनंद उठाया इसका। और आगे इस तरह से सक्रियता से जो है आपसी सामंजस्य बनाने में बहुत ही योगदान मिलता है, तो हम लोग की भी मंशा यही थी कि इसी के माध्यम से पब्लिक और पुलिस के लोग एक साथ तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तो उसका आम जनमानस में अच्छा संदेश जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रावस्ती में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पशु तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। पशु तस्करों के हौसले इतने बुलंद थे कि पकड़ने के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम को पिकअप से रौंदने का भी प्रयास किया। पुलिस ने 2 पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पिकअप से 4 पशु भी बरामद हुए। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर के एक शराब कंपनी के ऑफिस में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। मामला चौक कोतवाली के गार्डन स्टेट कॉलोनी का बताया जा रहा है। चोरों ने शहर की पॉश कॉलोनी में घटना को अंजाम दिया। चोरी की सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। शातिर चोरों ने कैश की सुरक्षा में तैनात कर्मियों को नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया और 1,19,00,000 का कैश लेकर फरार हो गए। ये सारा कैश जिले में अंग्रेजी शराब की दुकानों की बिक्री का था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। कन्नौज में अवैध शराब बनाने वालों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर एक महिला सहित 7 शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। मिली सूचना के आधार पर इंदरगढ़ थाना पुलिस ने जगतापुर में छापेमारी कर 6 लोगों को धर दबोचा है। वहीं गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस ने 13 रब्बू में छापेमारी कर महिला सहित 2 को पकड़ा है। पकड़े गए माफियाओं में पुराने हिस्ट्री शीटर चरण सिंह और जगदीश के नाम शामिल है। साथ ही पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। अगली खबर आगरा से है। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है, जहां एक मकान की छत पर तिरंगे के ऊपर धार्मिक झंडा लगा दिया गया। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वीडियो फतेहाबाद क्षेत्र के गांव
भलोखरा का बताया जा रहा है। अगली खबर आगरा से है। आगरा के शाहगंज इलाके का, जहां तिरंगे से कबूतर उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। तिरंगे के इस अपमान के लिए पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई है। वीडियो में एक घर की छत पर तिरंगे से एक व्यक्ति कबूतर उड़ा रहा है, साथ ही व्यक्ति तिरंगे को जमीन पर भी पटक रहा है। वीडियो के वायरल होते ही हिंदू जागरण मंच ने आक्रोश जताया। पुलिस ने मामले की जांच की है। आगरा के थाना लोहा मंडी के एक क्षेत्र गोकुलपुरा में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल तीन युवकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। सारी घटना का वीडियो एक व्यक्ति ने बना लिया। इसके बाद पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत की। पुलिस ने युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें लोहा मंडी क्षेत्र निवासी फैजान सादाब और मुहज्जम नामजद हैं। ये यात्रा सोमवार को गोकुलपुरा से निकली थी। इसमें 8-10 बाइक और एक्टिवा पर युवा सवार थे। युवक हाथों में तिरंगा लिए थे, साथ ही देशभक्ति गीत गा रहे थे। तभी एक्टिवा पर सवार तीन युवकों ने पाकिस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। कुछ लड़के जब तिरंगा यात्रा निकल रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उक्त का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो जब पुलिस संज्ञान में आया तो दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या 160/22 थाना लोहा मंडी धारा अंतर्गत 153B भादवी पंजीकृत किया गया। इसमें तीन लड़के नामजद थे, जिनका नाम है फैजान सदार और मुहज्जम। इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। नियमानुसार कार्यवाही कर इसमें आपको भी अवगत कराया जाएगा। खबर मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना के डीलरा रायपुर गांव से है, जहां हफ्ते भर में अवैध ई कचरे की फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री में भट्टियों के अंदर ई कचरा जलाया जा रहा था। ग्रामीणों ने काला धुआं गाँव में आता देखा और जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो इकट्ठा हुए धुएं के जरिए फैक्ट्री तक पहुंच गए। ग्रामीणों ने फैक्ट्री के अंदर जाकर देखा तो वह दंग रह गए। फैक्ट्री के अंदर भट्टियों में मोबाइल, रेडियो, टीवी, तार और पंखों के कंडेंशन जलाए जा रहे थे, जिसका काला धुआं गांव के अंदर जा रहा था। ग्रामीणों ने ई कचरा जलाते हुए मौके से चार लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस और दलपतपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शहीद खान निवासी करुला मीना नगर, हमीद निवासी जयंतीपुर, इलियास तौफीक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम 600 रुपए की दिहाड़ी पर काम करते हैं। इस ई कचरे को और फैक्ट्री को चलाने वाला व्यक्ति फुरकान है। जानकारी के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।